क्या देखेंगे हम लोग, कॉन्फिगुरेशन देखेंगे ना, टी टू जी और ई जी इलेक्ट्रॉन में तो ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन देखो तुम लोग है ना कि जब वीक फिलियन रहेगा तो क्या होगी, जो स्टेबलाइज एनर्जी होगी वो पेरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होगी वो पेरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जबकि इनकेस ऑफ स्ट्रांग फिल लिगेंड, इनकेस ऑफ स्ट्रांग फिल लिगेंड जो हमारी क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो पेरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। पहले तो क्वेश्चन ये निकल गया, पहला क्वेश्चन क्या निकल गया, जब वीक फिल लिगेंड रहेगा, जब क्या रहेगा, वीक फिल लिगेंड रहेगा। देखिए क्या है वीक फिलिगेंड केस में क्या रहा, जो हमारी पेरिंग एनर्जी है वो क्या रही, क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या रही, ज्यादा रही। जबकि स्ट्रांग फिल क्या रहा, ज्यादा रहा। इसलिए हमारा स्ट्रांग फिल वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और वीक फिल वाला क्या होता है, कम स्टेबल होता है। अब देखिए डी वन का क्वेश्चन, अब कह रहा है कि डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में क्या है, अब इसे हम लोग स्प्लिट किए थे, यहाँ समझा रहे। देखिए ये आपका हमारा क्या था, ई जी था, ये क्या था, टी टू जी था, ये हमारा डी फाइव है, डी फाइव को हम लोग तोड़े थे, ये क्या था, ई जी था, ये क्या है, टी टू जी है। अब यहाँ समझिएगा पूरा चार्ट को, डी फाइव को हम लोग स्प्लिट किए ई जी और टी टू जी में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड एस्टेब्लिशमेंट एनर्जी के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टी टू जी लोअर होगा और ई जी क्या होगा, हायर होगा। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टी टू जी हायर होगा और ई जी क्या होगा, लोअर होगा। एक बार पूछा गया है, क्या हो गया है, पूछा गया है टी टू जी के केस में और ई जी के केस में, यानी कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल केस में एनर्जी पूछा गया है टी टू जी और ई जी की। ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में ई जी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्टाहेड्रल के केस में ई जी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि टेट्राहेड्रल केस में टी टू जी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी ज्यादा होगी, टी टू जी की, याद रहे, बता दे रहे, क्वेश्चन इस पे आया हुआ। हमने क्या बोला, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो टी टू जी क्या रहेगा, लोअर, और ई जी क्या रहेगा, हायर। यानी कि टी टू जी की एनर्जी कम रहेगी और ई जी की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जबकि अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, टी टू जी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी और ई जी की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत आ गया ये। अब कह रहा है कि डी वन, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें डी में कितना, पांच, एक दो तीन चार पांच होता है ना। अब कह रहा है डी में एक इलेक्ट्रॉन है, हम लोग आप लोगों से बताए थे कि पेयरिंग कब होगा, पेयरिंग कब होगा, अगर डी ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो लिगेंड चाहे वीक होगा चाहे स्ट्रांग होगा, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको एक ही ट्रीट करेंगे, वीक ही की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे स्ट्रांग है चाहे, जब तक आप बी में पूरा भर नहीं देंगे तब तक पेयरिंग नहीं करा सकते, पेयरिंग करा सकते हैं, नहीं करा सकते। देखिए अब डी वन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो टी टू जी हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी टू जी वन पी जी जीरो, वही लिखा है, टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन हुआ। हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरते हैं, टी टू जी से भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल के केस में लोअर एनर्जी से हम लोग भरते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी भरते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, यानी कि टी टू जी में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भर जाएगा, टी टू जी में भर जाएगा। अब देखिए कहाँ पे, यहाँ डी वन, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, हम लोग किससे भर दिए, टी टू जी वन, ई जी कुछ होगा नहीं, ई जी क्या हो जाएगा, जीरो, ई जी हमने क्या लिख दिया, जीरो। जब वन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा, मरीन नंबर कितना होगा, 1.73 बताए थे कल निकालने के लिए, क्या होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आया स्ट्रांग फिल लिगेंड केस में, ये तो किसी केस निकल गया हमारा, वीक फिल केस निकल गया। अब स्ट्रांग फिल केस में क्या होगा, क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुई हुई, कोई दिक्कत किसी को नहीं, फिर आ जाइए। अब टी टू जी और ई जी, यहाँ भी तो वही केस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग कहाँ हो पाएगी, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया ना, चाहे अगर डी वन में, अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो चाहे स्ट्रांग रहे चाहे वीक रहे, सबकी एक ही तरह काम करेगा, वीक की तरह काम करेगा ना, पेयरिंग वोरिंग नहीं होगी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन और ईजी में जीरो, वन ओवर पॉइंट, किसी को दिक्कत कोई, आगे आइए डी टू। अब कौन सा आ गया, डी टू, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो हो गए, अब इसमें दो भरिए, एक और दो, तो टी टू जी कितना हो जाएगा, दो, इजी कितना हो जाएगा, जीरो, तो इजी दो।
अनुप्रयोगकरण कितना हुए 2, मेन रोड कितना हो जाएगा 2.84। अब स्टैंड फ्री के केस में, अब स्टैंड फ्री के केस भी तो प्रेरिंग नहीं होने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ भर पा रहा है, अभी अब इलेक्ट्रॉन भर नहीं पाए हैं, यानी कि D2 तक ले, D2 तक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक मोमेंट और अनुप्रयोगकरण क्या आएंगे, सेम रहेंगे, चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगन रहे चाहे वीक फील्ड लिगन रहे। ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ हर साल। D3 केस में आइए, अब D3 केस में क्या आया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, हम यहाँ कितना भर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, अब हम T2 में कितना इलेक्ट्रॉन भर देंगे 3, E2 में कितना भर देंगे, अभी भी 0। क्या पेयरिंग स्टार्ट हो पाई अभी तक, अभी भी नहीं हो पाई क्योंकि अभी 2 खाली हैं, अभी 2 क्या है खाली हैं। देखिए ध्यान से, यानी हमने क्या भर दिया 3, तो 3.87, यानी जितना अनपेयर्ड टन आता है सेम उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है पॉइंट में, ठीक बताया जा चुका पहले भी। अब यह स्टैंड फील्ड केस में, अब स्टैंड फील्ड केस में तो अभी नहीं पेयरिंग हो पाएगी, हो पाएगी पेयरिंग तो प्रॉपर्टी क्या सबकी रहेगी, सेम रहेगी भाई, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ईजी में कितना हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, क्यों कोई दिक्कत, समझा रहा आगे आइए। अब D4 में आया, किसमें आया D4 में आया, अब D4 में आया, अब हम लोग क्या करेंगे D4 1, 2, 3, 4, अब ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है तो हम लोग यहाँ पेयरिंग नहीं कराएंगे, कहाँ कूद जाएंगे, हम लोग ऊपर कूद जाएंगे, ईजी में चले जाएंगे, क्यों अगर स्ट्रांग फील्ड रहता हम तब यहाँ पेयरिंग करा देते, नीचे ही भी करा देते, जब स्ट्रांग फील्ड रहेगा तो T2G में भरने के बाद ही हम ईजी में जाएंगे, T2G में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही कहाँ जाएंगे ईजी जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है ना, ये हम लोग यहाँ तक की बात कर रहे हैं, क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 3, ईजी में कितना हो गया, हमने वही लिखा है T2G में 3 और ईजी में 1, फिर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 4, 1, 2, 3, 4, कहाँ पेयरिंग हुई 4.90, क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अब आया स्ट्रांग फील्ड केस में आ गया, किसमें आ गया स्ट्रांग फील्ड केस में आ गया, किसमें आ गया स्ट्रांग फील्ड केस में आ गया। अब स्ट्रांग फील्ड जब केस में आएगा तो हम लोग क्या करा देंगे यहाँ पे, देखिए 1, 2, 3, 4 पेयरिंग करा देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भर चुका है, अगले क्या होगा T2G भर चुका है, स्टैंड केस में क्या कराएंगे पेयरिंग कराएंगे, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोली जल्दी से, और ईजी में कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 2, मैग्नेटिक कितना जाएगा 2.84 कहाँ पे, यहाँ पे एंड वाले में नहीं नहीं दो ही होगा वहाँ 2.8 हो गया, सुनिएगा आगे देखिए D5 आ गया, अगला कंक्लूजन क्या है D5 में हम लोग क्या देखेंगे वीक फील्ड के लिए देखेंगे, इसे देखेंगे वीक फील्ड के लिए, देखिए भरिए वीक फील्ड के लिए 1, 2, 3, 4 भर दिए। अब भरने के बाद क्या हुआ देखिए, अब हम लोग यहाँ इसमें काम भर दिए, अब क्या हो जाएगा T2G कितना हो जाएगा T2G 2-4 हो गया ना, नहीं सर उसमें पहले का भर रहे हैं ना 5 तक हम लोग भर रहे हैं, एक पेड़ वाला हटाइए पेड़ वाला, पहले वाला डायग्राम में किए थे पेड़ वाला है, सुन हां जान सकते हैं डिफाइन बता रहे हैं ना, हां डिफाइन क्या बता रहे हैं वी फिल ना डिफाइन ना वी फिल T2G 3 G2 देखो अब इसमें क्या है हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितना भरेंगे 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हां रह गए नहीं रह गए कितना जाएगा T2G 3 और ईजी कितना हो जाएगा 2, इसे कोई दिक्कत। अब स्ट्रांग फील्ड आया, अब क्या आया तो भरिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी T2G कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 और ईजी कितना हो जाएगा 0, हमने भरित किया 1.73 कोई कष्ट किसी को आया, देखिए अब T6 आया, अब D6 में क्या देखेंगे पहले हम लोग वीक फील्ड लिगेंड देखेंगे, किस देखेंगे वीक फील्ड, अभी एनर्जी भरिए D6 है, D6 पहले वीक वाले में देखिए पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 यानी T2G कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, T2G कितना हो गए 4, ईजी कितना हो गए 2, T2G में 4 और 1 आ गया, T2G कितना हो गए 4,
और ईजी में दो, किसी को एक कष्ट, नंबर अर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा चार, एक दो तीन चार, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 4.90। अब इसी के केस हम लोग किस लिए देखेंगे, स्ट्रांग फील्ड के लिए देखेंगे, किस लिए देखेंगे स्ट्रांग फील्ड के लिए देखेंगे, किसे देखेंगे स्ट्रांग फील्ड, भरिए इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पाँच और एक छः, यानी क्या हो गया ई टू जी सिक्स, ईजी क्या हो गया जीरो, यानी मालिक्यूल क्या है डाया होगा, और क्या हो गया डाया, यू जीरो एम जीरो, कोई दिक्कत क्यों, यही हो गया ना, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, ट्रिटोजियम पूरा पूरा छः हो गए और रिजियम क्या हो गए जीरो हो गए, मालिक्यूल क्या हो गया डाया हो गया। अब है डी सेवन, देखिए क्या देखिए डी सेवन का मोशन, अब इसमें क्या भरेंगे टी टू जी में सेवन है ना, एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात, वीक फील रहेगा, अगर वीक के केस रहेगा तो नीचे से भरते हुए पर ऊपर भी जाना होगा, फिर ऊपर भरते हुए नीचे आना होगा ना, कोई दिक्कत, तो सात हो गया, सात में कितना बच रहा है आपका ट्रिटोजियम, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दो दो चार एक पाँच, ट्रिटोजियम कितना हो गया फाइव और रिजियम कितना हो गया दो हुआ। अब आइए स्ट्रांग केस में आ जाइए, अब स्ट्रांग केस में क्या हो जाएगा सात है तो सात में तीन की अगर पेयरिंग हुई तीन की पेयरिंग होगी और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच जाएगा तो कितना आ जाएगा अनपेयर्ड टर्म वन और वैल्यू कितना हो जाएगा 1.73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.73, किसी कोई दिक्कत आ गया हो डी एट में आ जाओ, डी एट में पेयरिंग हो जाएगा, डी एट में क्या हो जाएगा अगर वीक फीलिंग रहेगा क्या रहेगा वीक फीलिंग रहेगा तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ, यानी ट्रिटोजियम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए छ और ओरिजिन कितना हो गए दो, तो लिखा है इलेक्ट्रॉन तो लिखे हम, फिर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया पेयरिंग हो गई तीन ऊपर कितना हो गया दो, यानी कि डी एट कॉन्फिगरेशन रहेगा, अगर डी एट कॉन्फिगरेशन रहेगा कौन डी एट रहेगा है ना, ध्यान दीजिएगा कितना आ रहा है दो ऑर्बिटल आ रहा था ना, ऐसे में कितना आ रहा है दो ऑर्बिटल आ रहा है, यानी कि अगर डी एट कॉन्फिगरेशन रहेगा तो चाहे स्ट्रांग फील्ड लगा रहे चाहे वीक कैसा रहेगा वीक ही रहेगा, स्ट्रांग ही रहे कोई दिक्कत डी एट केस में, किस केस में डी एट केस में। अब है डी नाइन के आइए, किसके आइए डी नाइन के आइए, डी नाइन में क्या भरिए कितना हो गया छ सात कितना भरेंगे छह इलेक्ट्रॉन और रिजीव कितना हो जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन छत्तीस नौ कितना बच जाएगा दस में दस होता है एक कैलकुलेट हो जाएगा 1.73 बता चुके हैं, फिर इसमें अगर पेयरिंग हो जाएगी इसमें भी ओई यानी कि डी एट डी नाइन के केस में क्या हो रहा है प्रक्रियाएं सेम हो रही हैं, चाहे स्टांग लिगन रहे चाहे वीक रहे बात क्या होगी एक ही रही, कोई दिक्कत किसी को डी टेन में तो आप लोग जानते क्या होगा चाहे स्टांग रहे चाहे वीक रहे चाहे स्टांग रहे चाहे वीक रहे है ना। चलो आगे डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिपेंड अपॉन लिगेंड, यानी ये लोग लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेंगे कौन कौन वाले डी फोर डी फाइव और डी सेवन की स्ट्रांग पे लिगेंड है कि वीक पे लिगेंड है उस पर क्या करेंगे डिपेंड करेंगे कौन वाले डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन किस पे डिपेंड करेंगे लिगेंड की स्ट्रेंथ पे, जबकि कौन डी वन डी टू डी थ्री डी एट डी नाइन डी टेन, अरे देखो ना यार डी वन में पेयरिंग हो पाएगी एक इलेक्ट्रॉन है, डी टू में हो पाएगी कॉमन सेंस दो इलेक्ट्रॉन है, डी थ्री में हो पाएगी तीन टी टू जी में ही रह गया इसमें क्या हो जाएगा एट छः दो आठ हो जाएगा है नहीं हो पाएगा, डी नाइन में भी नहीं हो पा रहा डी टेन में नहीं हो पा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा किसमें किसमें डी वन डी टू डी थ्री डी एट डी नाइन और डी टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिगेंड पे डिपेंडेंट नहीं होगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होगा किस किस केस में डी वन डी टू डी थ्री डी एट डी नाइन डी टेन किसमें किसमें एक दो तीन आठ नौ दस, एक दो तीन आठ नौ दस इस केस में
हमारा जो लिगैंड है, हमारा जो लिगैंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा कॉन्फिगरेशन, है ना, जबकि किस पे करेगा, B4 में, B5 में, D6 में, D7 में क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है, यानी कि स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है कि वीक फील है कि स्ट्रांग फील है। ठीक, आगे देखिए, अब क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2.84 bm। अब देखिए सर, क्वेश्चन का थोड़ा कर दिया, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया क्वेश्चन, अब क्या लिखा है, WFL लिख दिया है, SFL लिख दिया है, SFL, अब अगला क्वेश्चन क्या करेगा, या तो SFL WFL लिख दिया तो इजी कर दिया, या आपको क्या कर दिया, इजी कर दिया, अब आगे क्या करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या देगा, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या देगा, यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन, ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन हाई स्पिन, क्या हो जाएगा हाई स्पिन। अब ये देखो क्वेश्चन पूछेगा, ये पेपर सबसे बियॉन्ड, ये दिन एकदम टॉप लेवल का ही है, इतना टाइम जान अभी तक तो उम्मीद कम है सोच पाए हो, सोच लेगा नहीं देगा नहीं, है ना, आप लेकिन सोच लीजिए, आप क्या करिए सोच लीजिए कि ये भी देखे पूछ सकता है, ये भी देखे पूछ सकता है क्या, यहाँ साफ साफ WFL SFL दे दिया है, यहाँ से तुम लोग समझ जाओगे, बच्चे क्या करेंगे समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, निकालिए सबका, सबका क्या करिए निकालिए, चलो देखो पहला हम लोग क्या देखेंगे, पहला वाला क्या है, D5 का करिए स्प्लिट, करिए क्या करिए, किसमें किसमें, EG में और T2G में स्प्लिट कर दिए, इलेक्ट्रॉन भरिए, क्या कर रहा है, वीक फील लिगैंड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच, एन की वैल्यू कितना आ गई, पाँच आ गई, जब एन की वैल्यू पाँच आएगी तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आने की संभावना है किसी भी एंगल से, नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखिए आप लोग, चौथा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या होगा हमारा, D7 है, इसको बनाइए T2G और ये क्या हो गया EG, अब क्या है स्ट्रांग फील लिगैंड, क्या है स्ट्रांग फील लिगैंड, क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ और एक सात, कितना एन कलू आ रही है, वन आ रही है, क्या संभव है 2.84, नहीं है ना, फिर आया तीसरा, क्या आया तीसरा, अब यहाँ पे क्या लिख दीजिए, D8 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, D8 में क्या है स्ट्रांग फील लिगैंड, 2, 4, 6 है कहीं, अच्छा हाँ, 2, 4 ये तो सही है, ऊपर एक दो, फिर सवाल देखते हैं, चलिए देखिए ये क्या हो गया EG और T2G, और ये क्या हो गया EG, जितना भरी कितना रहना है, आठ है ना, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात अगर एक आठ, कितना हो रहा है आठ, कितना भर गया, 2.84 कितना आ गया, कौन सही हो जाएगा, तीसरा वाला कौन सही होगा, चौथा भी देख लीजिए कितना आ रहा है, D4 है, कितना है D4 है, कितना है D4, भरिए क्या है, वीक फील है, एक दो तीन चार, 4 पॉइंट लमसम आएगा, कितना आएगा 4 पॉइंट कुछ आएगा, क्या संभव है, तो क्या कौन सा सही होगा, D8 के सिर कितना आ गया, 2.84 और मैंने